और देखिए यहाँ पर आए थे स्विच पावर चेंज, जान के ये एनजीओ है जो ये यूथ है जो लोग हैं जहाँ लुधियाना के, तो इन्होंने यहाँ पर एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है कि लोगों को हम अवेयर करेंगे भी प्लास्टिक जो है उसको मत यूज करो, स्विच फॉर चेंज इनका जो एनजीओ का नाम है। देखें बाकी टैक्की भी इनके पास दिखाना, जरा कहाँ आवाज आ जाती है इनको, देखिए ये हाँ देखिए एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो ये अभी एक दूसरे को मैसेज दे रहे हैं। तो कितने मेंबर थोड़े सर? आप आज इतने हैगे हैं जी, तकरीबन 40 वॉलंटियर हैगे हैं। हाँ जी, एन जी ओ सर लगभग 2 साल हो गए लुधियाने काम करते, गौरव सिंह चला रहे हैं इस एन जी ओ, तो असं वॉलंटियर हाँ अज इस इवेंट मैनेज कर रहे हैं, तकरीबन 40 असं वॉलंटियर है इस वे। हाँ जी हाँ जी, जो कुर्ते पजामे वाले गौरव ने। अच्छा अच्छा, चलो फिर कार्ड दो, साढ़े चैनल सबसक्राइब कर दिए, शेयर कर दियो। और जी, और जी सत श्रीकाल जी, और जी तुम भी अब प्रोग्राम देखने आए हैं? हाँ जी हाँ जी। कहते प्लास्टिक कहते भी बंद कर दियो? ऑलरेडी बंद है जी, आप वरती जाने अपनी आत्मा नूं जगाउण वाली गल है, बाकी तो ठीक है, सरकारां करी जांदे ने, पब्लिक करी जांदी है, बाकी तुहाडा सहयोग रहूगा, अवेयरनैस करोगे तो ठीक है कम। बनने चाहिए हूँ थैले ना, जो हूँ 5 रुपये का बंदा ना 3-3 रुपये का बेच दो, लिया के 10 वाला 5 का बेच दो, लोगों ने थैला होगा ना, मैंने कितने एक बार थैला मुफ्त मिल गया सी, मैं सब्जी लैन जाना थैला मैं इस्तेमाल कर लेना, बहुत अच्छी गल है, थैला भर के लिया वा, बहुत अच्छी गल है, पहले भी थैले लेके जाते थे, आ तो हूँ पिछे ही चल पे है मूव जामे प्लास्टर चलन लग गए, इदा ही लगे रहे ठीक हो गया। हाँ थैले भी हाँ, साढ़े चैनल सबसक्राइब कर दिए तुम है। और जी अच्छा, सारे जो बंदे आ रहे हैं मीडिया वाले लिख रहे हैं, वैसे लिख रहे सारे सारियां तो लिख रहे हैं जी, जेडे जेडे भी आ रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, जेडे जेडे इतने लोग आ रहे हैं, उन्होंने सारी एंट्री कर रहे हैं, तो सारा जाने के इन्होंने ब्यौरा रखना है। क्या गौरव, क्या हाल चाल है? बड़ा परेशान दिखाई दे रहा है, इतना परेशान नहीं दिखाई दे रहा, बस आप लोगों के स्वागत में लगे हुए, बताइए। नहीं बहुत ऐसे है कि ये अभी आपने जो आज प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है जी, तो कई स्कूलों के बच्चे तो बहुत इकट्ठे कर लेते हैं, मतलब आपने कम बच्चों को बुलाया है? नहीं, बच्चों को बुलाने का मेरा मकसद नहीं था, मैंने तो पूरे शहर वासियों को बुलाया है यहाँ पे, हम लोग आवाज उठा रहे हैं प्लास्टिक जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसका क्या नुकसान है आने वाले जनरेशन को और हमें, हम उसके लिए एक मंच सजाया हमने, हम आवाज उठा रहे हैं कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसका बैन सिर्फ अखबारों में और न्यूज में नहीं दिखना चाहिए, या छापेमारी से हम नहीं रुकने वाले, जब तक वो कम्प्लीटली बैन नहीं होता ये बदलाव जारी रहेगा। तो आप कभी कभी सड़कों पर भी जाके बोला कीजिए ना, झंडा उठा के अकेले चल पड़ो, अपने अपना आंदोलन करने का तरीका होता है, मेरा तरीका अलग है, हो सकता है सड़कों पर मुझे नहीं लगता कि अभी झंडे लेके चलने से कोई काम हो जाएगा, मैंने 300 लोगों के घरों से या 5000 लोगों के घरों से जाके खुद प्लास्टिक उठाया, तो मुझे लगता है कि मैं वो ज़्यादा बेहतर काम कर पा रहा हूँ। अच्छा, आप घर घर जाके उठा? बिल्कुल, खुद ही उठाते हैं। तो ये कहते हैं घर घर जाता हूँ, क्या नाम? गौरव आप? गौरव सिंह। गौरव पूरा पीछे और क्या? गौरव सिंह। गौरव पीछे आगे क्या लगा? नहीं नहीं नहीं, गौरव गौरव सिंह भी होता है, गौरव गौरव के बाद ऐसे होता है ना, गौरव अकेला रह जाता है, गौरव के साथ जब होता है ना जुड़ता है कुछ तो गौरव और बड़ा हो जाता है, तब हम लोग चलो वो ऊपर वाले। नहीं मैं लुधियाना से नहीं हूँ, मैं बिहार से हूँ। अच्छा ऐसे है कि आप ये जो आपने शुरू किया है तो लुधियाना में आप कहाँ पे? लुधियाना मॉडल ग्राम में हमारा ऑफिस है, कुचर मार्केट। अच्छा वहाँ पर है, तो लुधियाना में कितने साल हो गया? अराउंड 15 साल से मैं लुधियाना में। यानी कि आप लुधियाना में सेवा कर रहे हैं ना आप जितनी भी हैं, तो देखिए एक को अपने वो भी चैनल का नाम भी लिखा हुआ है, क्या तो वो चाहे उधर मत लगाओ इधर लगा दो, नीचे नीचे लगाओ, हम किसी चैनल वैनल को। हाँ थैंक यू थैंक यू। देखिए गौरव जी चले गए हैं, गौरव जी कहते हैं मैं बिहार से था लेकिन 15 साल हो गए लुधियाना शहर में लोगों की सेवा कर रहा हूँ, कहता 300 घरों में जाकर मैंने घर घर जाकर प्लास्टिक उठाया, कहता मैं जितनी सेवा कर रहा हूँ कोई कर नहीं सकता। मैंने कहा भाई झंडा कब उठाओगे? कहता झंडा उठाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए और किसी से मिलते हैं, हम लोग कहते हैं कि सोच बदलो समाज बदलेगा। हेलो हाउ आर यू? हाँ आप भी गौरव के साथ ही हैं? यस। आप उसके यानी गौरव जो मॉडल ग्राम रहते हैं वहीं से आप भी? नहीं मैं वॉलंटियर कर रहा हूँ आज। तो कितने वॉलंटियर हो? हम लोग 5-6 वॉलंटियर हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप वॉलंटियर का क्या रोल है इसमें, क्या करते हो? उनका ये जो प्रोग्राम है उससे बेस्ट हो, बेस्ट आउट निकले और वो स्मूथली चले सारा रन हो। अच्छा अच्छा, यस। मुझे भी नहीं पता, मुझे भी हेल्प करने के लिए दिया है वॉलंटियर के लिए। यस। कितने लड़कों के पास है ये? 4 लड़कों के पास है। आप कंट्रोल कर रहे हो? मैं यहाँ पर कंट्रोल कर रहा हूँ सारा, ऊपर यहाँ स्टॉल्स वगैरह को। हाँ
अंदर वो स्टेज के लिए अलग है, अंदर हॉल के लिए अलग है, बाहर मेन एंट्रेंस के लिए अलग है। मैं तो अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। कौन से कॉलेज? ये जो GGNIMT है वहाँ से। यहाँ मैंने भी इतना किया है, मैं इंग्लिश किया, पॉलिटिकल साइंस किया, LLB किया, LLM किया। बढ़िया। आप इतना करने के बाद यार कुछ मिला नहीं यार। कोई बात नहीं, मिल जाएगा। चलो जी, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, बाकी दोस्तों को भेज देना। बड़ा पढ़ाई किया जा रहा है। नमस्कार सर, क्या हाल चाल है? और आप भी आ जाएं प्लास्टिक को बैन करने के लिए। प्लास्टिक हटाओ, देश बचाओ, समाज बचाओ, बच्चे बचाओ। हम जानवर सबके लिए नुकसान करता है, इसलिए कम से कम हम प्लास्टिक यूज़ करना चाहिए। और जो प्लास्टिक हमारे पास वेस्ट पड़ा हुआ है वो हमें बदलाव ऑर्गेनाइजेशन को देना चाहिए, ताकि हम इसको रिसाइकल करके दोबारा यूज़ कर सकें, किसी और काम में लगा सकें। रिसाइकल हो जाए ना भाई, प्लास्टिक यूज करना चाहिए, जो नहीं यूज होता तो उसको थोड़ा सा नमस्कार नमस्कार देखे मेरे से भैया, मेरी तरफ क्यों लगाते हो? तो ये भी है। चलो तो अभी देखते हैं, अगर दो चार लोगों से और मिलेंगे, लोग हैं जो हमसे बातचीत करते हैं। तो आप भी फोटो खींचे, हम कहीं चिंता थे आपकी फोटो हैं। क्या क्या नाम है तुम्हारा? जशन। जशन, जशन। एक मिनट। अच्छा अच्छा, उधर मैडम ने कहा फोटो खींच दो, हैं हम भी खींच देते हैं। देखिए अभी आज यहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है ना, उसमें सभी लोग बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं, तो हम भी चलते चलते यहाँ पर आए थे, तो हमने सोचा कि चलो आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर ये जो बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड, आई कांट चेंज द नेशन बट वी कैन, कहते अपने आप को बदलो। हर कोई अपने आप को बदलने लग गया ना, जिनको ABC नहीं आती तो उनको कौन पढ़ाएगा? ये देखो, डोनेट योर बेस्ट टू हेल्प अस टू बिल्ड ए स्कूल। देखिए हर किसी का अपना अपना सपना होता है। ये हिंदुस्तान है, बाद में करेंगे उनको, पहले एक दो लोगों से और पूछ लें। और ये क्या हालचाल है? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈਗੇ ਵੇਸਟ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗਾ ਵਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹਟੂਗਾ ਫਰਕ ਪਊਗਾ ਕੁਛ ਆਪਣਾ? ਐਫਰਟ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਕੁਛ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰ, ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਵਿਚ ਫੋਰ ਚੇਂਜ ਨੇ ਬੜਾ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਮਾਪਤ ਸਮਾਰੋਹ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਫਸਰ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੀਏ ਤੁਸੀਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਤਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਜੋ ਚੇਂਜ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਚੇਂਜ ਤਵੀ ਹੋ ਗਈ ਜਬ ਹਮ ਜਾਗੇਂਗੇ ਹੈਂ। ਤੋ ਦੇਖੀਏ, ਹਮਨੇ ਅਭੀ ਆਪਕੋ ਦਿਖਾਇਆ। थैंक यू।